डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पाएंगे क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन है 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हम लोग एक तरीका अपनाएंगे जिसके वजह से ये क्वेश्चंस को इजी वे में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेट मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर को टी मान रहे हैं। एक्स स्क्वायर को क्या माना? टी। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ? डिफ्रेंसिएशन 2x dx। ठीक है, तो 2x dx को हम क्या लिख सकते हैं? इसको dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर 2x dx है, तो ऊपर लिख दिया dt, और नीचे एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने माना t, तो नीचे हो गया t प्लस 1 और t प्लस 3। कुल मिलाकर दोस्तों, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 बाई टी प्लस 1 टी प्लस 3 इंटू में डी टी। ठीक है, अच्छा फिर अगर बात किया जाए तो 1 बाई टी प्लस 1 और टी प्लस 3 इंटू डी टी। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम लोग दो पार्ट में पुट करते हैं, 1 बाई टी प्लस 1 और टी प्लस 3 दो पार्ट में पुट करेंगे। तो a बाई टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस 3। ठीक है, a बट्टा टी प्लस 1 एंड b बाई टी प्लस 3 दो पार्ट में तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 बाई टी प्लस 1 टी प्लस 3, और यहाँ से हम लोगों को इसका इसका एलसीएम लेंगे, टी प्लस 1 टी प्लस 3। टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल होगा, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे टी प्लस 3, और टी प्लस 3 से टी प्लस 3 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को टी प्लस 1। ठीक है, तो ये नीचे नीचे से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बच रहा है? 1 इज इक्वल टू a को t से मल्टीप्लाई किए हैं 80, और a को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3a। ठीक है, प्लस b को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो bt, और b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b। ठीक है, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि t का कोफिशियंट कितना है यहाँ पे। तो t का कोफिशियंट 0 है, यहाँ तो t नहीं है, तो इधर लिख दीजिए 0। इधर t वाला कौन कौन सा पार्ट है? तो a है एंड b है, तो इसको कर दिया a प्लस बी। ठीक है, चलिए इधर कांस्टेंट कौन है? तो 1, और इधर कांस्टेंट कौन सा है? तो 3a प्लस 3a प्लस बी। इस तरीके से एक इक्वेशन मेरा यहाँ बन गया और दूसरा इक्वेशन यहाँ बन गया। तो दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं? a और b का वैल्यू निकाल लीजिए। a और b का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे a का मान रख दीजिए, b का मान, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करके t में लाएंगे, और जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ आप x स्क्वायर पुट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग इजी वे में बना सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो आपको यहाँ पे a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाल लेना है दोनों इक्वेशन से, फिर इस a के जगह पे जितना आएगा, b के जगह पे जितना आएगा, फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन तोड़ देना है, और 1 बाई टी प्लस 1 का हो जाएगा log t प्लस 1, और जितना a का वैल्यू आएगा उसका रख दीजिएगा। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेशन करके t में जो आएंगे ना आंसर आएंगे t में, उस t के जगह पे रखना कितना है? x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो इसको पूरा तरीके से अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 1 बाई एक्स एक्स के पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स
dx, क्योंकि सब x में है ना, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले करेंगे क्या दोस्त, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। सवाल क्या है, तो 1 बाई एक्स, एक्स के पावर 4 माइनस 1, ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक्स क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी एक्स क्यू और नीचे भी एक्स क्यू, और इनटू में डी एक्स। ठीक है, यानी कि करेंगे क्या, अपने तरीके से एक्स क्यू ऊपर और एक्स क्यू नीचे। ठीक है, तो ऊपर कितना होगा पता, इंटीग्रेशन एक्स क्यू को 1 से करेंगे तो एक्स क्यू डिवाइडेड एक्स के पावर, यहाँ 1 है और यहाँ एक्स के पावर 3 है, तो 3 और 1 को मल्टीपल करेंगे एक्स के पावर 4, और यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पे हुआ कि एक्स के पावर 3 है और डिवाइडेड एक्स के पावर यहाँ पे 1 है और 3 है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर 4, और यहाँ एक्स के पावर 4 माइनस 1 तो ऑलरेडी है, यानी इसको इसको मल्टीप्लाई करके एक्स के पावर 4 कर दिए। यहाँ पे करेंगे क्या, एक्स के पावर 4 को हम लोगों ने मान लेगा टी। ठीक है, एक्स के पावर 4 को क्या मान लेंगे, टी। तो एक्स के पावर 4 को अगर टी मानेंगे तो एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी, वो होगा 4xq dx, राइट, 4xq dx, और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कितना भाई, तो dt है ना। अब यहाँ पे xq dx है ना, एक्चुअली ऊपर क्या है, xq dx, तो यहाँ कर देंगे xq dx इज इक्वल टू dt बटा में 4। ठीक है, xq dx ऊपर है, हम xq dx का क्यों वैल्यू निकाले, क्योंकि ऊपर xq dx था, xq dx का वैल्यू हम लोग dt/4 लिख सकते हैं, dt/4 कर दिए। अब अगर हम फिर से इंटीग्रेशन चलेंगे तो xq dx ऊपर है, इसके जब पे हम लिख सकते हैं dt/4, और डिवाइडेड एक्स के पावर 4 को माना टी, तो यहाँ हो जाएगा टी इंटू टी माइनस 1। 1/4 है तो इस 1/4 को हम लोग बाहर कर देंगे, तो बचेगा क्या, 1/t इंटू t माइनस 1 इंटू में dt। अब 1/4 तो 1/4 है भाई। ठीक है, अब हमको करना है इतना है ना, तो ऐसा करते हैं, पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1/t इंटू टी माइनस 1 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक होगा a/t, एक हो जाएगा b/t-1। अब t यहाँ तो हो जाएगा हम लोगों को 1/t और t-1, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो t और t-1, तो अब t से t कैंसिल आउट होगा तो t-1 बचेगा, तो a में गुना कर देंगे t-1 से और b में गुना कर देंगे t से, तो नीचे नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1 इज इक्वल टू ए को टी से मल्टीपल करेंगे ए टी माइनस में ए, ठीक है, और प्लस में बी टी। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू हुआ ए टी माइनस ए प्लस में बी टी। अब इधर कांस्टेंट कितना है, इधर कांस्टेंट 1 है, और इधर कांस्टेंट कितना है, ओनली माइनस ए है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हो गया, -1। ठीक है, ए का वैल्यू -1। अच्छा, इधर बात करें तो हम लोगों का टी वाला, इधर तो टी वाला एक भी नहीं है, 0, इधर टी वाला कौन कौन सा है, a+b, तो ए के जगह पे अगर -1 रखेंगे तो -1 इधर आएगा, तो b का वैल्यू पता चल गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का जब वैल्यू निकल गया तो हम लोग इसको चूंकि दो पार्ट में तोड़े हुए हैं, तो अगेन हम काम करेंगे, अगेन क्वेश्चन क्या है, तो 1/4 1/4 1/t इंटू टी माइनस 1, तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, दो पार्ट्स में तोड़ दिए हैं। ठीक है, एक a/t, ठीक है, a/t प्लस b बाई
टी माइनस वन इंटू में डी टी। अब वन बाई फोर, ठीक है, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो ए बाई टी डी टी, और ए का वैल्यू कितना आया है माइनस वन बाई टी डी टी, और बी का वैल्यू आया वन टी माइनस वन इंटू डी टी। ठीक है, तो वन बाई फोर तो वन बाई फोर हो गया, ये माइनस को बाहर करेंगे तो वन बाई टी का हो जाएगा माइनस लॉग टी, प्लस वन बाई टी माइनस वन का हो जाएगा लॉग टी माइनस वन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वन बाई फोर तो वन बाई फोर है, अब इसको हम लोग प्लस वाला को पहले लिख सकते हैं लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी। अब भाई इसका लिखने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन रहे तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम बटा में लॉग एन। तो इसको लिख सकते हैं क्या, वन बाई फोर लॉग टी माइनस वन बटा में टी। ठीक है, अब रहा बात कि सर टी के जगह पे तो हम लोगों ने माना है एक्स की पावर फोर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाई फोर लॉग एक्स के पावर फोर माइनस वन बट्टा एक्स के पावर फोर, ये हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। तो 20 क्वेश्चन तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दिया मैंने, अब 19 क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है कि कैसे करेंगे, तो हम आपको हिंट्स कर दिए हैं। तो और बाकी बात दो तीन क्वेश्चन बच गया है, इसको हम लोग अगले क्लास में पूरी तरीके से डेफिनेटली ख़त्म कर देंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे अगले दिन से, अगले के मतलब अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।